बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, QAT एग्जाम प्रिपरेशन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हूँ जैन। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश के एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास नंबर 3 पर हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंड अ ब्रीफ राइट अप एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट राइट अप। अगर मैं मॉडल पेपर में लेके चलूँ आपको, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पैसेज होगा। इस पैसेज में से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है। अगर इंग्लिश में हम देखें तो सबसे इजीली जो मार्क्स लिए जा सकते हैं वो कॉम्प्रीहेंशन में है। यहाँ पर एक ट्रिक है, आपने क्या करना है, आपने पैसेज को रीड नहीं करना, आपने क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पैराग्राफ को रीड करना है, उसमें से क्वेश्चन का जो आंसर है उसको माइंड में रखना है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोबारा से आपने सेकेंड क्वेश्चन को रीड आउट करना है और फिर पैसेज पढ़ना है। इससे फायदा ये होता है, जब हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और उसके बाद पैराग्राफ को रीड करते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो कंप्लीट एंगेज होता है पैराग्राफ में आंसर को फाइंड करने में। तो इस तरह हम जो है कॉम्प्रीहेंशन में मैक्सिमम मार्क्स जो है हमको ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे ईजी मेथड है, इसमें से हम मार्क्स ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपने ये ट्रिक है जो है इसको माइंड में रखना है, और इस ट्रिक को माइंड में रखते हुए इस इन क्वेश्चन का जो है वो आंसर देना है। तो ये कॉम्प्रीहेंशन है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी मेरी वीडियो से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।